नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। डेल्टा वेरिएंट से सहमा जर्मनी, WHO ने किया खबरदार, कहा गति पकड़ चुका है कोरोना वायरस। भारतीय मूल की सारा को 195 देशों की राजधानी और मुद्राएं हैं याद, 10 साल की उम्र में कायम किया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ईरान में अब इमरान रायसी होंगे नए राष्ट्रपति, विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरिफ ने की पुष्टि। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। अजीत डोभाल अगले सप्ताह दुशांबे में SCO की बैठक में लेंगे हिस्सा, पाकिस्तान भी होगा शामिल। अगले साल तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे 36 राफेल विमान, बोले एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया। चेन्नई के जूलॉजिकल पार्क में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दी दस्तक, 4 शेर पाए गए कोरोना संक्रमित। PM मोदी 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं, महबूबा मुफ्ती ने कल बुलाई मीटिंग, वहीं आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। बाढ़ में राइजिंग पाइप ध्वस्त होने से चिरकुंडा में पेयजल के लिए मचा हाहाकार, उफनती झीलिया नदी ने मचाई भारी तबाही। झारखंड में एक बार फिर 38 घंटे का पूर्ण वीकेंड लॉकडाउन हुआ शुरू, दूध और दवा छोड़ सभी दुकानें रहेंगी बंद। नागालैंड के IS अधिकारी के खाते से देवघर के साइबर अपराधी ने खींचे 35 लाख रुपए, जामताड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पशुपति के खिलाफ पूर्णिया में रोड पर उतरे लोजपा कार्यकर्ता, चिराग के नेतृत्व पर जताई आस्था, वहीं कहा पूर्णिया का एक एक कार्यकर्ता चिराग के साथ। सोमवार को दिल्ली में मिलेंगे मोदी और नीतीश, PM से कई मुद्दों पर होगी बातचीत, LJP मसले पर भी हो सकती है चर्चा, वहीं CM केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों के नाम देंगे। बिहार में 5 IAS हुए इधर उधर, 8 महीने में ही हटाई गई मुंगेर की DM रचना पाटिल, उनकी जगह लेंगे नवीन कुमार, वहीं जहानाबाद और सीतामढ़ी के DM भी बदले गए। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड। मिल्खा सिंह की याद में काली पट्टी बांध कर उतरी टीम इंडिया, खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।